हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। CUET 2024 की सैम्पल पेपर की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले बार कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हमारा लेक्चर अच्छे से नहीं बन पाया था, एक क्वेश्चन ने खासा दिक्कत की थी, उसको हम फिर से कवर करते हैं, फिर से देखेंगे वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम अपना रिदम मेंटेन नहीं कर पाए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू वंस अगेन डू दिस क्वेश्चन। अब इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ इसमें कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एसेंशियली क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द यूनिट वैक्टर इंक्लोजिंग एंगल थीटा एंड ए प्लस बी मॉड ऑफ़ ए प्लस बी इज़ लेस देन वन। ओके, मॉड ऑफ़ ए प्लस बी जो है वो क्या है, लेस देन वन है। तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है, वो इन्वर्स फंक्शन लास्ट में आएगा, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पेन इनेबल कर दिया है और यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले कि ए प्लस बी जो आपके पास में यूनिट वेक्टर, सॉरी ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर और ए प्लस बी जो है लेस देन वन है। सो गिवन दैट है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन वन है। भाई अगर आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है लेस देन वन है तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे आपके पास में मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन वन है, ये देखिए। तो आपने ये क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर इज़ बिटवीन 0 to 1, से बीच में लेस हो जाएगा ये। अब आप इसको ओपन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसकी वैल्यू जो है बेटा 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। नाउ इसको ओपन कर दो, 1 + 1 2 cos थीटा इज बिटवीन 0 to 1, सो 2 + 2 cos थीटा इस जो होगा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, सो 2 cos थीटा की वैल्यू -2 कर दो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट, इट इज़ फ्रॉम -2 to -1। 2 cos थीटा की वैल्यू -2 से लेकर के -1 होगी और cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के -1/2। cos थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के 1/2। अब जरा आप ग्राफ देखो, ये देखिए, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है क्योंकि आप यहाँ पे cos इनवर्स दोनों तरफ लेने वाले हो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आप क्योंकि कॉस इनवर्स लेने वाले हो तभी आपका ये कॉस इनवर्स -1 बनेगा। ये कॉस इनवर्स ले लिया, ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स -1/2। अब अगर आप कॉस का ग्राफ देखते हो तो देखो भाई, कॉस के ग्राफ में आपको क्या खास बात समझ में आ रही है, ये आपके पास में कॉस का ग्राफ है, ये -1 पर वैल्यू इसकी कितनी होती है ना। देखिए कॉस की वैल्यू जो है यहाँ पर आपके पास में -1 है। ओके, कॉस की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में होती है -1 और यहाँ पर डोमेन में कितना होता है आपके पास में +1, ठीक है। हाँ, तो आउटपुट में आपको कितना निकलता है, आउटपुट में -1 के लिए आपको पाई मिलता है और इधर पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। ओके, सो कॉस इनवर्स की वैल्यू, एक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप एक चीज़ याद कर लो कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा तो आपके ये जो इनइक्वालिटी के निशान है ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस यही लाइन बार बार इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर क्या था, ये लेस देन था, बट नीचे आके क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। मतलब जो थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स -1 पाई और 2π/3 से बड़ी, मतलब क्या लिख सकता हूँ, थीटा इज़ फ्रॉम 2π/3 से लेकर के पाई। बस इसी चीज़ में मैं थोड़ा सा अटका रहा था आप लोग को, बट अब मैंने बिल्कुल सही कर दिया कि थीटा की वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी, वो पाई से बड़ी होगी और 2π/3 से कम होगी, है ना। ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ यस, बिल्कुल सही। और याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी -1 पे है तो पाई पे इक्वालिटी और थीटा और यहाँ पे 2π/3। भाई बिल्कुल सही कर दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, द एरिया बाउंडेड बाई द लाइन्स, आपको फाइंड करना है बाई द लाइन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू, x इक्वल टू 1 से लेके 3। तो सबसे बेस्ट है तरीका, इसका ग्राफ बना लो। तो ये 1 और यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, बेस हो गया 1, और 1 पर ये लाइन क्या होती है, ये लाइन क्या होती है, इसके इस तरफ ही लाइन क्या होती है, इसके इस तरफ लाइन होती है। y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस टू है तो माइनस ऑफ x माइनस टू, सो दिस विल बिकम -x + 2। तो यहाँ पे हो गया, तो आपके पास x इक्वल टू 1 पर वैल्यू पुट कर दो कितनी, x इक्वल टू 1 पर -1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एक ट्रैंगल तो आपके पास में ये वाला बन गया, छोटा वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट।
सो हाँ बेस भी वन है, हाइट भी वन है। एंड सेकेंड वाले ट्रायंगल देखो, ये वाली लाइन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू। तो ये तो सिंपल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और एक्स की वैल्यू कितनी थ्री है, तो थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू थ्री पे हाइट कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी। तो अगेन इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस भी वन है हाइट भी वन है। सो करेक्ट आंसर कितना होगा, इधर का भी एरिया वन है इधर का भी एरिया वन है, दोनों को ऐड कर दो, वन प्लस वन कितना हो गया, टू स्क्वायर यूनिट। कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग क्या? हाँ बिल्कुल गलती कर रहे हैं, एरिया वन एंड वन नहीं आया है, एरिया हाफ एंड हाफ आया है। तो ऐड करोगे तो एरिया क्या होगा, वन बाई टू। थोड़ी देखिए, वन अपॉन टू पहला एरिया वन इंटू वन, एंड दूसरा एरिया में वन अपॉन टू वन इंटू वन, सो वन बाई टू एंड वन बाई टू दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, वन स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो जो गलती हो रही थी वो उसको हमने ठीक कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू जान दो, फिर y इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, डबल करके एरिया निकाल लेंगे। ओके क्या होता है रूल, जीरो से लेके वन तक कट पॉइंट निकालेंगे, तो ये पॉइंट क्या मिल गया, वन, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ इतने बार प्रैक्टिस कर लो, एक आंसर कई बार याद हो जाते हैं। तो कितना हो गया, वन बाई थ्री। ओके सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीरो से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच का, और वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है। वाई इज इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स है। तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स में जीरो से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच का एरिया, तो ग्राफ बना लिया, ये जीरो और ये है अपना क्या, ये पूरा का पूरा है थ्री पाई बाई टू। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो हाफ लोब होता है इसका एरिया होता है वन, तो इधर का वन और इधर का हो गया कितना, टू। तो वन प्लस टू इक्वल टू कितना, थ्री। तो डायरेक्टली आपको थ्री बन जाएगा इसका आंसर। तो प्रैक्टिस ही आपकी है, शॉर्ट ट्रिक आपको तब बनेगी, ठीक ना। यस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी इज अ लाइन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, देन द एंगल गामा इज इक्वल्स टू। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या बताया जाए, थ्री डी का क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस पर बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू वन। तीनों को कर दिया वैल्यू पुट कर डालो, देख लो 45 है 120 है, वैल्यू पुट कर दो, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई फोर, मतलब प्लस माइनस वन बाई टू। अब प्लस माइनस वन बाई टू में दो एंगल होते हैं, एक 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। देखो ऑप्शन में कौन सा है, 60 डिग्री है, तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कौन सा, 60 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। करा लाइन ए बी इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कर लेकिन कथनों पर विचार करिए, ए इज इक्वल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड गामा विल बी 150 डिग्री। चलो निकालना है तो सॉल्व करते हैं, तो अल्फा 30 बीटा 40 ले लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/4। तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल मतलब स्टेटमेंट वन नंबर हो गया, कैंसिल खारिज हो गया। अगला स्टेटमेंट टू है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन गामा विल बी 90 डिग्री। ओके देन गामा विल बी 90 डिग्री, कह रहा कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो गामा कितना होगा, 90 डिग्री। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर से कहानी लगा दो इसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अब बीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, आपके पास अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा और कॉस स्क्वायर गामा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा, ये बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, तो गामा इक्वल टू कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, कह रहा था कि भाई गामा 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट ओनली टू करेक्ट है, ओके तो स्टेटमेंट नंबर टू क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलो भाई साहब नेक्स्ट आते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, ये है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। अलाइन मेक्स एन एंगल सेम, अलाइन मेक्स द सेम एंगल अल्फा विद द ईच ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इफ द एंगल थीटा मेक्स विद द जेड एक्सिस देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो भाई साहब अब मान लो एक्स और वाई के साथ कितना एंगल बना रही है अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या दे रखा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनता है उसके लिए बात कही जा रही है कि साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जो साइन स्क्वायर थीटा था इसकी जगह मैं रख सकता हूँ कितना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल सही है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा साइन के नीचे कॉस चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4, पहला आंसर बिल्कुल सही है। तो अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी, मैंने तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं बच्चों और सॉल्व कराने लग गया, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, जब आपकी लर्निंग होती है तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, ये देखिए
अगला क्वेश्चन द वर्टाइसेस ऑफ दिस 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 ए बी सी हैं, तो भाई सब क्या बताना है, इफ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स एट बी डी देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कह रहा है कि बताइए आपको डी के कोऑर्डिनेट बताना है। ओके तो आपको डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, आपको डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, है ना। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, है ना। आपके पास वर्टाइसेस क्या दिए गए हैं, वर्टाइसेस आपके पास दिए गए हैं 3 2 0, ये आपने एक ट्रायंगल बना लिया। ओके आपको किसके वर्टाइसेस बनाने हैं, एंगल बाइसेक्टर के, एंगल बाइसेक्टर के वर्टाइसेस बताने। तो सबसे पहले ए से लेके बी तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। ओके देन उसके बाद ए से लेके सी तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस होती है 13। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके एंगल बाइसेक्टर के इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है ना, इसका फॉर्मूला हुआ करता है। एक चीज़ और भी है, ये ऐसे समझ लो आप कि ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली साइड को अपोजिट साइड के रेशियो में काटता है, तो किस रेशियो में तोड़ेगा ये, 3:13 में तोड़ेगा। हाँ एक फार्मूला भी होता है, और दूसरा आपका बेस्ट ये है कि आप 3:13 में रेशियो में ये ब्रेक करेगा, तो 3:13 का यूज़ करके आप इसमें सेक्शन फार्मूला लगा दो। ओके 3:13 का यूज़ करके आप सेक्शन फार्मूला लगा दो, तो देखो कैसे यूज़ होगा, 3 × -9 तो कितना हो गया -27, एंड 13 × 5 दैट इज इक्वल टू 65, और 3 × 3 = 16 ये हो गया। इस तरीके से ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा और ये तीसरा कोऑर्डिनेट। तो वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कभी भी आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल लेना है, फिर आपकी ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, फिर यहाँ से आपकी ये जो साइड है ये आपके पास एक रेशियो ये बन जाएगा, दूसरा रेशियो ये बन जाएगा, फिर आपको इसको डिवाइड करना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन है, इसको करिए कॉपी में आराम से लगाइए, आना चाहिए, एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी इतने दिए गए हैं, ठीक है भाई अच्छी बात है। तो कह रहा ए बी सी मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो कह रहा कि इनका सेंट्रॉइड क्या होगा। भाई देखो चाहे आपका ट्रायंगल सिंपल हो, चाहे उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से वाला हो, सेंट्रॉइड सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि ट्रायंगल पी क्यू आर का जो सेंट्रॉइड होगा वही ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड होगा जो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है ना, तो सेम सेंट्रॉइड होंगे। तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है सेंट्रॉइड निकालने का, सारे एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मैं एक बता देता हूँ कितना है, इसका 3 है, इसका -9 है, 3 + -9 और प्लस का कितना 5/3, तो 3 और 5 8, 8 में से 9 गए -1/3, तो पहला आ जाएगा -1/3 -1/3। बाकी सब में आप फॉर्मूला लगा लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ बताना है ही नहीं इसमें, दमदार इजी क्वेश्चन एकदम, क्या बोला जाए दोस्तों, ठीक है ना, एकदम। सेंट्रॉइड निकालने के लिए तो याद रखिएगा कि जो मेन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वही इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ट्रायंगल का ही सेंट्रॉइड बना करता है, डन। चलिए द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस 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 दिया है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ओ भाई साहब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वर्टाइसेस दिए गए हैं तो आपको इसको एरिया निकालना है। तो क्या होता है, आपने ए ले लिया है, बी ले लिया है, आपने सी ले लिया है, तो आपको दो लगातार कोई वेक्टर निकाल लो, एक बी सी निकाल लो और बी ए निकाल लो। ओके और इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी क्रॉस बी ए, तो सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अपन वर्किंग पे मेन ध्यान दे रहे हैं, मेन कंसेप्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो बी सी निकाल लिया आपने, बी सी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी ये लिखा हुआ है, बी ए कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद वाला माइनस पहले वाला, ऐसा समझाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर द पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी इक्वल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, लो भाई साहब इतना ईजी क्वेश्चन। अब कह रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है, तो कुछ करने जैसा है ही नहीं है, आंसर आ गया, लियो भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके लियो भाई साहब इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, इफ़ इवन ई टू ई एन आर द नॉन एम्प्टी इवेंट विच कॉन्स्टिट्यूट ए पोर पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस एस, इफ इवन ई टू ई थ्री ई एन आर द पेयर वाइज डिसजॉइंट इवन यूनियन ई टू सबके सब मिलकर क्या बना रहे एस, इफ ए इज द एनी इवेंट नॉन जीरो प्रॉबिलिटी देन द पी ई आई ऑब्लिक ए, भाई सब बेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना और कुछ नहीं है। सो पी ई आई ऑब्लिक ए में नीचे क्या आता है, पी ए आता है, ओके और ऊपर कितना आता है, ऊपर आता है पी ई आई इन टू P, है ना, P E I इंटू पी ए ऑब्लिक
ई आई, ये आया करता आपका, ठीक ना। तो ये बेस थ्योरम जो होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये हुआ करता है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये, ट्वेल्थ क्लास के लिए आती भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स वन कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स वन माइनस वन। भाई सीधा फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई फोर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू माइनस बाहर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, करेक्ट आंसर कितना आ गया, थ्री पाई बाई फोर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस वन बाई थ्री, तो फिर से माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, कॉट में क्या होगा, वन बाई थ्री सही है, और ये कितना हो जाएगा टेन साइन माइनस पाई बाई टू, तो साइन माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, और फिर माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस पाई बाई फोर। सिंपल है यार, अल्ट्रा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब क्या कहा जाए, इतनी सिंपल है कि छूने पर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स टू कॉस, ये भी फिर से वही क्वेश्चन है, छूने पे ही सॉल्व हो जाएगा। टू वन बाई टू है, इसका पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई बाई थ्री, फिर कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, मतलब पाई बाई फोर हो ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चलो कुछ ठीक ठाक सा लग रहा भाई साहब क्वेश्चन। साइन इनवर्स इतना है और कॉट इनवर्स इतना इक्वल टू पाई बाई टू है, तो एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ओके ओके ओके, यस, कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ओके इतना है, और कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स की पावर फोर बाई फोर इक्वल्स टू पाई बाई टू, एंड एक्स इज बिटवीन जीरो टू वन, तो बताना है आपको कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा, ये जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं एट द एंड ऑफ वीडियो कराऊंगा। ओके गाइस, तो इसको लास्ट में करते हैं, टिल देन हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है। ओके, सो इफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा जीरो जीरो इस पैरेलल टू द दिस लाइन, देन आपको बताना है कि करेक्ट सिचुएशन क्या बनेगी। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स है ना इज इंक्रीजिंग, तो बताना है कि सबसे लंबे अंतराल की लंबाई जिसमें फंक्शन जो आपका इंक्रीजिंग है, ये बताना है आपको। सो दिस इज ऑल्सो ये होमवर्क, ये क्वेश्चन आप करके लाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड फॉर्म बाय द वेक्टर, तीन वेक्टर आपको दिए हैं, एक वेक्टर ये, दूसरा ये है, और ये तीसरा है। कह रहा अगर ये मिनिमम है तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी, तो कैसे करोगे इसको, तो सबसे पहले तो इसमें आप वी जो होता है दैट इज इक्वल टू बॉक्स ए बी सी से आप एक फंक्शन बनाओगे वी का, किसके टर्म्स में आएंगे लैम्डा के टर्म्स में, फिर इसके बाद आप क्या लगा दोगे इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा लोगे, और वी डैश किसके टर्म में आएगा लैम्डा इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दोगे, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कंडीशन मिल जाएगी। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क है, इसको करके दिखाइए। चलिए ये सवाल बच्चे कह रहे हैं कि इसको बता दिया जाए, तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये एक्चुअली सबसे पहले फॉर्मूला किसका है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट इंटरवल बताना है जिसमें कि इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो गया फॉर्मूला, ये हो गया साइन थ्री एक्स का। अब आपको ग्राफ पता होगा कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है ना, तो साइन का ग्राफ नॉर्मली साइन एक्स का ग्राफ कितना होता है, ये होता है जीरो और ये होता है पाई और ये हुआ करता है माइनस पाई, तो अब यदि आप इंक्रीज और ये होता है कितना पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है कितना पाई बाई टू, तो जो लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें हमको हमारा फंक्शन इंक्रीज करते हुए दिख रहा है, आप ध्यान से देखो ये वाली रेंज है, तो ये किसका था, ये x के लिए, बट हमको किसके लिए लगाना है साइन 3x के लिए, तो आपको पता है कि अगर हम x को ट्रांसफॉर्म करते हैं 3x में तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है वो कन्वर्ट होकर 2 पाई बाई थ्री हो जाता था, मतलब मेरे को यहाँ पर सब में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पाई बाई थ्री बन गया, ये पाई बाई सिक्स बन गया माइनस का, और ये कितना हो गया पाई बाई सिक्स हो गया। ओके, तो अब जो इंटरवल है लॉन्गेस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ वाला है, ओके, तो कैसे ये निकालेंगे, अगला माइनस पिछला, तो पाई बाई सिक्स और माइनस का माइनस पाई बाई सिक्स, तो कितना आ जाएगा पाई बाई थ्री विल बी द आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री, डन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर आई के प्लस लैम्डा जे के प्लस के कैप जे के प्लस लैम्डा के कैप एंड लैम्डा आई के प्लस के कैप इज मिनिमम। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम आप जानते हैं कि तीन साइड से मिलकर के वॉल्यूम जो बनता है पैरेललोग्राम का वो होता है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यदि मैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो सीधे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैं इसका वॉल्यूम लिख रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो मैं वॉल्यूम लिखूंगा वो क्या बनता है, देखिए तो वन लैम्डा के कैप का सॉरी वन आएगा ना, हाँ वन कोफिशियंट होता वन, फिर यहाँ पे आई कैप तो है नहीं तो जीरो वन एंड जे लैम्डा के कैप और फिर कितना है लैम्डा आई कैप यानी कि लैम्डा और फिर ये जीरो और फिर ये कितना हो जाएगा वन। चलिए इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कीजिए। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आ रही है मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देता हूँ। सो वन ठीक है ना, ये वन माइनस का ज़ीरो हो गया ठीक है ना, फिर इसके बाद माइनस का लैम्डा और यहाँ पर कितना आ जाएगा ज़ीरो वन ज़ीरो माइनस लैम्डा का स्क्वायर ओके, फिर फाइनली वन और ज़ीरो माइनस लैम्डा। चलिए तो थोड़ा सा ही आया है, इसको सॉल्व करता हूँ तो वन वन माइनस ज़ीरो हो गया था तो और माइनस लैम्डा तो ये हो जाएगा प्लस लैम्डा का क्यूब ओके एन ये हो गया कितना माइनस का लैम्डा ठीक है ना। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है v की फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा v इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हम चाहते हैं कि v हमारे पास मैक्सिमम हो तो हम क्या करते हैं v डैश लैम्डा निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, उसको हम जीरो से कंपेयर करा देंगे। तो वन का हो गया डिफरेंशिएशन जीरो, इसका हो गया कितना थ्री लैम्डा स्क्वायर, इसको हो गया माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो थ्री लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। तो अब या तो आंसर प्लस वन बाय रूट थ्री है या आंसर माइनस वन बाय रूट थ्री है और दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा, देखिए इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा वी डबल डैश लैम्डा जो आएगा दैट इज इक्वल टू सिक्स लैम्डा। और क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो हमको चाहिए है वो चाहिए है मिनिमम, मिनिमम मतलब कि ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए ओके। तो सिक्स लैम्डा लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो आएगा, लैम्डा की वन बाई थ्री के लिए जीरो आएगा ग्रेटर देन, बिकॉज इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री देन सिक्स इंटू वन बाई सॉरी वन बाई रूट थ्री बात हो रही है ना, वन बाई रूट थ्री आया था ना, हाँ ये देखिए वन बाई रूट थ्री, तो वन बाई रूट थ्री जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा ओके। मतलब हम जानते हैं आप लोगों ने पढ़ी होगी थ्योरी कि अपना जो डबल डेरिवेटिव होना है ना, तो डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट वन बाई रूट थ्री जो आ रहा है वो क्या हो रहा है ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो पर कंडीशन ऑफ मिनिमम बनेगी तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ओके डन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ओके। अगला क्वेश्चन भाई साहब ये आपने क्लास ट्वेल्थ में खूब धूम धमाके से किया है, अ लैडर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग अगेन लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। ठीक है ये आपने क्लास ट्वेल्थ में किया है, कैसे करते हैं आपको मैं बता देता हूँ, यार बोर हो गया ऐसे क्वेश्चन को करा करा के मैं ओके। ये x है ये y है, यहाँ से इसकी रेट जो है x की रेट dx बाई dt है और ये y के नीचे आने की रेट कितनी है dy बाई dt और लैडर की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। सो ये पहली चीज़ आपके पास रिलेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 बिकॉज एट एनी इंस्टेंट दिस इज x एंड एट एनी इंस्टेंट दिस इज y ओके डन। ठीक है 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 ठीक है, द फुट ऑफ द लेटर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब कंडीशन क्या दी गई जिससे मैं x इक्वल टू 4 मीटर है। अब चलो डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल टू कितना 0। सो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy by dt, सो 2y dy by dt इज इक्वल्स टू माइनस का 2x dx by dt ओके। चलिए तो डी बाई डी टी निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन 2y और dx बाई डी टी, ये बिल्कुल हो गया सही, 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने, x की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है तो माइनस 4 अपॉन y की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे निकालोगे, जिस समय ये 5 है और x आपका 4 है तो दैट टाइम पाइथागोरस थ्योरम से y कितना होगा 3 होगा, तो माइनस 4 बाई 3 और साथ में ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो 4 टू जा 8 तो करेक्ट आंसर कितना होगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नोट कर लो भाई इसको। चलिए डन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन
कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन बाई, मतलब आपको इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है और एक्स का इंटरवल आपको निकालना है। तो कैसे करना पड़ेगा इसको, हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जैसे नॉर्मली तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। सो डी बाई डी एक्स मैं निकालता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस हो गया 9। सो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया कितना 3x स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का 9। ये मेरे पास टोटल फंक्शन आ गया dy by dx, अच्छी बात है। ओके ठीक है, अब देखो dy by dx मेरे पास आ चुका है। अब कह रहे हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन क्या बनती है, इसको हम जीरो से कंपेयर कराते हैं। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक चल रहा भाई सब? हाँ, तो 3x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। सो 3 बाहर बैठा हुआ है, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो मतलब एक पॉइंट अपने पास 3 और एक पॉइंट 1 आ चुका है। तो बच्चों जी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 1 और यहाँ पे 3। ओके, अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस पोजीशन पर वैल्यू जो है आपकी क्या होगी, कम होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। तो ये वेविस्कर मेथड आप लगाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा। तो आपको डिक्रीजिंग बताना है, तो ये जो इंटरवल है इसमें dy by dx लेस देन जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, ए ऑप्शन 1, 2, 3 नोट कर लो। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, सॉल्व करना पड़ता हमको वहाँ पर, बड़ा 4 to 5 मार्क्स का आता है। और इसको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ मैं। कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5 इज। तो देखिए हमारे पास क्या पैराबोला है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पैराबोला गया है, ये हमारे पास पैराबोला है इसमें। ओके, और कह रहा है कि इस पर द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5, एक हमारे पास ये पॉइंट है 0.5 और इस पे कह रहा है कि कोई पॉइंट है आपके पास में, ठीक है ना। सपोज उस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूँ, एच कॉमा के ले लेता हूँ, ये देखो एच कॉमा के। आप कह रहा है कि बताओ एच कॉमा के की वैल्यू क्या होगी जो इससे नियरेस्ट पड़े, एच कॉमा के की वैल्यू जो होगी ये नियरेस्ट पड़े। अब ये मूवेबल पॉइंट है तो हो सकता है ये यहाँ भी हो, नीचे भी हो, कहीं भी यहाँ पे हो जाए, ये अपन को पता नहीं है। बट अपन तो भी ये मान के चल रहे कि वो यहाँ कहीं पर है, और कह रहा है कि बताओ नियरेस्ट क्या होगा। ओके, चलिए नियरेस्ट क्या होगा, तो क्या कंडीशन बनेगी इसमें, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि यदि एच कॉमा के जो है अगर कर्व पर लाई कर रहा है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो अपने पास अगर पॉइंट एच कॉमा के क्या बनकर के आएगा, ये बनकर के आएगा एच और ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2। कैसे बन जाएगा एच और एच स्क्वायर अपॉन 2, देख लो आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है, यहाँ पर एच कॉमा के को आप क्या करो सेटिस्फाई करा दो इसके ऊपर। तो एच कॉमा के को सेटिस्फाई कराते तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2k, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2। तो यही मैंने लिख दिया, k की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2, बढ़िया ठीक। अब एक काम करते हैं हम इस पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो 2 dy by dx इक्वल्स टू हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो dy by dx इज इक्वल्स टू हो गया x, और एच कॉमा के पर यदि मैं पर्टिकुलेट करूँ इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, h आ गई। मतलब कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खिंचेगी उसका स्लोप कितना है, इसका जो टेंजेंट है इसका स्लोप है m इक्वल्स टू एच, ठीक है ना। और आपको पता है कि मतलब यहाँ पर जो स्लोप है m इक्वल्स टू एच, मैं लिख देता हूँ कि मतलब जो स्लोप है m इक्वल्स टू एच, ठीक है। तो ये तो हो गया स्लोप, अब ये स्लोप किसका, टेंजेंट का है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन बनाता है, नॉर्मल बनाता है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, m नॉर्मल का स्लोप दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन h, क्यों, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप माइनस 1 अपॉन n, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई h। तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास आ चुका है माइनस 1 बाई h। अब मैं एक स्लोप जो है इधर से निकालता हूँ इस पॉइंट से,
0.5 से लेके एच कॉमा के तक का। तो मैं दूसरा स्लोप निकालता हूँ नॉर्मल का, दैट इज इक्वल टू बाई द फॉर्मूला y2 - y1 / x2 - x1, शायद कुछ हो जाए इसे। सो y2 - y1 / x2 - x1 की कोशिश मैं करता हूँ। सो y2 यहाँ पे कितना है मेरे पास, h² / 2, y1 कितना है मेरे पास 5, और x2 - h1 / x1 कितना है h - 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया h² / 2 - 5/h। अब देखो यार, अब बहुत ही गजब चीज़ें होने वाली हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास अब पॉइंट आपको मिल जाएगा शायद तक। चलिए क्या करते हैं, देखो ये भी क्या है, ये जो स्लोप निकलना है नॉर्मल का स्लोप है, और ये देखो क्योंकि ये नॉर्मल डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो नॉर्मल बनाता है, और ये भी क्या था अपना नॉर्मल, तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। तो कैसे इक्वेट हो जाएंगे, देखो -1/h जो आया है नॉर्मल का स्लोप, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा h² / 2 - 5/h के। h से h क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। सो h² / 2 - 5 = -1, ठीक है ना। सो h² / 2 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, h² / 2 = -1 + 5 हो जाएगा, मतलब 4। तो h² = कितना हो गया अपने पास, 4 × 2 = 8, तो h = कितना हो गया 2√2। तो हमने जो वैल्यू पूछी थी कि x² = 2y पर जो वैल्यू जो निकटतम है, तो h की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2√2, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट जो है h की वैल्यू आ चुकी है 2√2, और यहाँ पर फिर h² / 2, तो h² / 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जब आप h की वैल्यू 2√2 डालेंगे। वैसे यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि h² / 2 4 आएगा, कहाँ से दिख रहा है, ये देखिए h² की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो जब h² की वैल्यू 8 है तो h² / 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, बता देता हूँ उसको, एक्सप्लेन करेंगे। सो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 2√2, 4, डन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स इज रियल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x² - 8x + 17। तो बच्चों ये हमारे पास में एक फंक्शन है fx = x² - 8x + 17। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये पैराबोला बनता है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू, पैराबोला अपवर्ड बनेगा बिकॉज a > 0 है, a > क्या है 0 है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकलती है एट द पॉइंट -b/2a निकलती है। ओके, इसकी जो वैल्यू निकलती है एट द पॉइंट -b/2a, और आपकी जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग आती है वो होती है -d/4a, याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर -d/4a। तो ये ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। ओके, फिर से एक बार लिख देता हूँ कि वैल्यू जो निकलती है दैट इज इक्वल टू -b/2a, और जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू -d/4a। इसी तरीके से अगर अपवर्ड पैराबोला है, ओके डाउन माउथ पैराबोला है, तो a < 0 होगा आपका, और उस समय आपकी जो वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी -b/2a पर, और जो वैल्यू का आंसर आएगा वो d/4 ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए d निकाल लेते हैं, तो d इज इक्वल टू कितना होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, तो -64 - 17 × 4 × 1 है ना, तो 68, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में, ये हमारे पास हो गया -4, तो -d = कितना हो गया 4, -d = 4, तो -d/4 * a, ठीक है। तो -d अपने पास में -4 हो चुका है, और 4a, तो 4 × 1 तो कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 1। तो एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए कि इफ़ ax² + bx + c है, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू